ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। गीत गाना उनकी हसरत है, गीत सुनाना उनकी चाहत है, और दिलों पर हुकूमत करना उनकी आरज़ू है। चारों तरफ मेरे ही चर्चे, फोटों पे है बस मेरा नाम, रंगों भरी सुबह मेरी मस्ती में डूबी है मेरी शान। मौसिकी की दुनिया के वो एक ऐसे ही फनकार हैं अभिजीत। ओ माझी है किशोर कुमार को अपना आदर्श माना, उनकी गायकी को सुनकर अपनी आवाज और अंदाज को निखारा, और जब गाने का मौका मिला तो पहले ही गाने में साथ मिला किशोर कुमार का। दिल से दिल मिलने का राज ये तुम क्या जानो, भागो की शाम आई, यारों के नाम आई, जलगाते जाम आई दीवानो। फिर तेरी कहानी याद आई की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे उसी अभिजीत भट्टाचार्य की, और जानेंगे अभिजीत कैसे ही कुछ सुने अनसुने किस्सों को जिसने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाया जहां पहुंचना सुर के किसी भी साधक की हसरत हो सकती है। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, कभी। अभिजीत का जन्म एक मध्यवर्गीय बंगाली परिवार में हुआ। 30 अक्टूबर 1958 को पैदा हुए अभिजीत का बचपन कानपुर की गलियों में गुजरा। रुझान बचपन से ही गीत संगीत की ओर था, लिहाजा अभिजीत ने छोटी उम्र से ही स्कूल में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। बचपन में हाँ मैं गाता था, लेकिन स्कूल के स्टेज में गाता था, लेकिन ऐसे कोई पब्लिक फंक्शन में हम अलाउड भी नहीं थे। हमको पढ़ाई लिखाई के अलावा ऑलमोस्ट टिल क्लास 12th आई वाज नॉट अलाउड इन एनी कमर्शियल शो और कहीं से भी पब्लिक फंक्शन में। संगीत के दीवाने तो अभिजीत बचपन में ही हो गए थे। संगीत की दुनिया में मुकाम बनाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश भी करने लगे जो उन्हें एक गायक के तौर पर पहचान दिला सकती थी। किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और मुकेश जैसे गायकों को अपना रोल मॉडल मानकर अभिजीत ने संगीत की दुनिया में कदम रखा। बचपन में सिर्फ एक गायक का था, चलो ठीक है, तब मैंने किशोर कुमार को भी नहीं सुना था। मैं रफ़ी साहब के गाने जो हमारे पिताजी या मेरे बड़े भैया लोग या हमारे अंकल लोग गाते थे उनको सुनता था, और रफ़ी साहब मेरे लिए भगवान होते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो रफ़ी साहब के साथ साथ फिर किशोर कुमार भी मेरे भगवान हो गए, मेरे दो भगवान हो गए। फिर थोड़ा और समझ में आने लगा तो मुकेश जी भी भगवान हो गए, तो एक साथ मेरे काफ़ी देवी देवता बन गए। कई सिंगर्स को अपना रोल मॉडल मानने वाले अभिजीत अभी तक तय नहीं कर पा रहे थे कि मंजिल तक पहुँचा कैसे जाए। इसी उधेड़बुन में अभिजीत अपने गुरु के पास गए और उनसे गुरु मंत्र लेकर जिंदगी को कामयाब बनाने की राह पर चल पड़े। तो मेरे पास तो 5-5, 6-6, 10-10 गुरु थे जिनसे जब मैंने रेडियो ऑन किया तो उनसे सीखा, जब मैंने कैसेट ऑन किया तो उनसे सीखा। तो एक तरीका अच्छा था, तो इसी से ही मैं सीखा। गुरुजी के पास जब गया तो वो गुरुजी इतने महान थे, आज हमारे बीच नहीं है, कि उन्होंने मुझे इतना सही तरकीब बताया कि जो तुमको बनना है तुम वही सीखो। मैं शास्त्रीय संगीत का बहुत प्रगाढ़ विद्वान हूँ, लेकिन आपको तो शास्त्रीय संगीत का ज्ञान चाहिए, आपको शास्त्रीय संगीत गायन में नहीं चाहिए। तो वो बात बहुत सही मेरे यहाँ पे लग गई कि यस, मुझे क्या सीखना है मैं वही सीखूँगा। अभिजीत ने मन में ठान लिया था कि उन्हें गायक बनना है, गायकी में मुकाम बनाना है, लेकिन घर वालों की रजामंदी अभी तक उन्हें मिली नहीं थी। घर वाले चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर नाम कमाएं। 12th पे पहुँचते पहुँचते जब इस समय एक लाइफ को चुनने की बात थी कि आप
फ्यूचर में प्रोफेशन क्या होगा, तो मैंने सोच लिया था कि मैं जो भी करूँगा म्यूज़िक पे ही करूँगा। और तब फैमिली से एक ही प्रेशर था कि आप जो भी कीजिए आप पढ़ लिख के कीजिए, आपको कोई ये नहीं बोले कि या तो ये गाना गाता है। सिंगिंग के अलावा अभिजीत का दूसरा शौक था मेडिकल। पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही वो होशियार थे, लिहाजा उन्होंने मेडिकल में करियर बनाने का इरादा किया। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली की मजबूरी सामने आ गई, पैसों की कमी आड़े आई। सिंगिंग एंड म्यूजिक विल बी माय प्रोफेशन। तब मैं बीच में था कि मैं क्या करूं, मैं फर्दर हायर स्टडी के लिए मन लगाऊं या एंट्रेंस एग्जाम्स में बैठूं। मुझे मेडिकल का भी बहुत वो था, लेकिन पिताजी ने बोला मेडिकल में अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता अगर मेरा एंट्रेंस में, तो कर नहीं सकते क्योंकि उतना पैसा हमारे पास है नहीं। हॉस्टल में रहना, मेडिकल हमारे लिए बहुत बड़ा खर्चे वाला स्टडी था। तो पिताजी ने तभी बोल दिया था कि बेटा, और उस समय इतने एजुकेशन लोन वगैरह उस समय नहीं हुआ करते। अभिजीत कानपुर में अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे। इसके बाद अभिजीत चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई के लिए मुंबई चले गए। तकदीर ने उन्हें माया नगरी पहुंचा दिया था। अपने ख्वाब पूरे करने की ओर अभिजीत ने कदम बढ़ा दिया था। हुआ भी कुछ ऐसा ही, पढ़ाई में मन नहीं लगा तो अभिजीत ने अपने शौक अपने जुनून को पूरा करने का पक्का इरादा कर लिया। अभिजीत ने संगीत को अपना करियर बनाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन मुश्किल अभी भी उनके सामने थी। जिस मंजिल की ओर उन्होंने अपने कदम बढ़ा दिए थे उसे पाना आसान नहीं दिख रहा था। अभिजीत ने अपनी आवाज सुनाने के लिए मुंबई के सभी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के ऑफिस के चक्कर लगाए, लेकिन किसी ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। नाकामी ने अभिजीत को तोड़कर रख दिया था। मैं मिलता था सबको, मैं पप्पी लहरी साहब के घर पे भी जाता था, दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। मैं राजेश रोशन जी के यहाँ भी जाता था, उनको कभी मिलना ही नहीं हुआ। जैसे ऐसे ऐसे लोग हैं कि जब तक मैं कुछ नहीं बना तो किसी ने एंट्री नहीं दी। कल्याण जी अरन जी के साथ पास जाता था, लक्ष्मीकांत के यहाँ तो मिलना मतलब इम्पॉसिबल, मिलते ही नहीं थे। तो आप समझ सकते कि उस समय क्यों नहीं मिलते थे, क्योंकि दे गॉट द बेस्ट किशोर कुमार उनके पास, तो वो कुछ सपना ही नहीं देख सकते थे कि उनका कोई भी गाना बन रहा हो किशोर कुमार ना गाए, तो क्यों किसी को सुनेंगे। पर कहते हैं ना कि जहां चाह वही राह, वही हुआ। एक नए जोश एक नई ताकत के साथ अभिजीत तैयार थे। उन्होंने तय कर लिया कि वो अब अपने आइडियल आरडी बर्मन यानी पंचम दा को अपनी आवाज सुनाए बिना हार नहीं मानेंगे। और अभिजीत को जिस मौके का इंतजार था वो सुनहरा मौका एक दिन उन्हें मिल ही गया, लेकिन बदकिस्मती ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। उस खास मौके को अभिजीत बनाने में नाकामयाब हो गए। कितने मतलब ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गए थे मैंने रियाज नहीं किया था। मैंने कई मतलब एक बाथरूम तक में गाना नहीं गाया था, तो आवाज मेरी खुलेगी नहीं खुलेगी समझ में नहीं आया। और मुझे मौका मिला तो मैं चला गया और मैंने ऐसी बेवकूफ़ी की, एक ऐसा गाना मैंने हिम्मत करके गाया कि मुझे हारमोनियम बजाते हो, अच्छा मुझे उतना अच्छा हारमोनियम बजाना नहीं आता, लेकिन मैंने कहा हाँ मैं हारमोनियम से ही सुनाऊंगा। और मैंने हारमोनियम ले लिया और मेरे हाथ कांपने लगे, जबकि मैं हारमोनियम बजा के गाता हूँ, हाथ कांपने लगे। और मैंने इतना एक घटिया गाना उनको सुनाया, मेरा खुद का बनाया हुआ, खुद का कंपोजिशन, तो वो बहुत एमेचरिश वो था। अभिजीत को स्ट्रगल करते हुए 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। मुंबई जैसे अनजान शहर में अभिजीत के पास ना तो सिर छिपाने के लिए छत थी और न ही भूख मिटाने के लिए रोटी। संघर्ष क्या होता है अभिजीत धीरे धीरे समझने लग गए थे। मुश्किल से भरे इन लम्हों में उन्हें एक सहारे की जरूरत थी, जो उन्हें रविंद्र जैन से मिली। रविंद्र जैन के दिशा निर्देश में वो रियाज करने लगे। गॉडफादर बोलूंगा कि जिन्होंने मुझे मुंबई में एक शेल्टर दिया, एक म्यूजिकल शेल्टर, जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ म्यूजिक ही म्यूजिक था, सुबह शाम म्यूजिक ही होता था, और उसके बीच मुझे मौका दिया वहाँ पे उनके साथ जुड़ने का। तो मैंने ज्वाइन किया रविंद्र जैन साहब को। रविंद्र जैन को असिस्ट करते करते अभिजीत अब संगीत में काफी हद तक परिपक्व हो चुके थे। जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सेवा प्यार के। सुरों पर पकड़ पहले से मजबूत हो गई थी, आवाज में और निखार आ गया था।
और वो वक्त भी आया जब उन्हें पंचमदा से मिलने का मौका मिला। इस बार अभिजीत ने पंचमदा को पूरी तरह इम्प्रेस करने का पक्का इरादा कर लिया। आखिर पंचमदा से मिलने का मौका रोज रोज तो नहीं मिलने वाला था। पंचमदा को मिला एक साल डेढ़ साल बाद, तो अच्छा हुआ उन्होंने मुझे पहचाना नहीं कि ये वही है जिससे इतना खराब गया था, पहचाना नहीं। फिर मैंने जितना जैन साहब से सीखा था उनके सानिध्य में, फिर मैंने एक प्राइवेट गाना, रविंद्र जैन साहब का ही कंपोजिशन था वो, मैंने अपने एक दो म्यूजिशियन के साथ, अब सबसे दोस्ती हो गई थी इनको, एक छोटे से स्टूडियो में जाके डब किया, वॉइस किया और उसको कैसेट मिल गया और वही काम कर गया मेरे लिए। फिर वो कैसेट मैंने किया तो उसको सुनाने के लिए मुझे कम से कम 670 बार उनको मिला होगा। अभिजीत अब हताश होने लगे थे, उनकी हिम्मत अब जवाब देने लग गई थी। 3 साल हो गए थे अभिजीत को मुंबई में स्ट्रगल करते, पर अभी तक किसी ने उनकी आवाज तक नहीं सुनी थी। आखिर उन्होंने वापस कानपुर लौटने का फैसला कर ही लिया। मुंबई छोड़ने का फैसला अभिजीत ने हताशा में लिया था, पर मुंबई छोड़ने से पहले उन्होंने कसम खा ली थी कि जाते जाते वो एक बार पंचमदा को अपनी आवाज सुना के ही रहेंगे। सन्नी फिल्म की रिकॉर्डिंग के दौरान अभिजीत स्टूडियो पहुंच गए अपनी आखिरी कोशिश को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के लिए। 5-6 दिन बाद उनके मिलने गया तो उन्होंने उतना भाव ही नहीं दिया मुझे नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे मीट किया तो मुझे ऐसे किया जैसे भूल ही गए, रात गई बात गई वाली बात। हर गुजरते दिन के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वो समय भी आ गया जब पंचमदा ने फोन कर अभिजीत को अपने घर बुला लिया। पंचमदा ने अभिजीत को देव आनंद के बेटे की डेब्यू फिल्म आनंद और आनंद में गाने का मौका दिया। बात किया मैंने देवानंद साहब से, वो अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं देवानंद साहब, और तुम्हारी आवाज सुनाई वो हैप्पी है, उनको भी चाहिए था कोई नया वॉइस। तो देख मैंने उनको बताया भी, जैसे मैंने अमित कुमार को गवाया था लव स्टोरी में, और मेरा तो सपने सब चल रहे हैं, उनका बात ही नहीं सुन रहा हूँ। मैं सब सोच रहा हूँ किशोर कुमार अब अभिजीत आ गया है, अमित कुमार अब अभिजीत आ गया है। उस टाइम शब्बीर कुमार भी काफ़ी छाए हुए थे, शब्बीर कुमार चलो अभी मैं आ गया हूँ, तो मैं अपने उसमें सपनों में ही खो गया पूरी तरह से। अभिजीत के लिए मौका दोहरी खुशी लेकर आया, पहली गाने के लिए ब्रेक मिलने की, और दूसरी खुशी थी अपने आइडियल गायक किशोर कुमार और लता मंगेशकर के साथ गाने की। बादों की शाही यारों के नाम चलवाते जाए दीवानों। पंचमदा एक तरफ, किशोरदा सामने बैठे और मैं एंट्री मार रहा हूं, और किशोरदा ने मेरे को देखते ही किशोरदा ने बोला बहुत नाम सुना है तेरा, गाना भी मैंने सुना, पंचमदा ने सुनाया तेरा गाना नहीं। मैं अभी मेरे हाथ पैर कांप रहे, तब तक थोड़ी से आशा जी ने भी एंट्री लिया, आशा जी को मिल चुका था मैं रिहर्सल में उनके घर पे, आशा जी भी मिली, दादा खूब भालो गाए छेलेटा, पंचमदा आशा जी बंगाली में किशोरदा को बोल रही है खूब भालो छेलेटा गाए, खूब भालो गाए। मैं तो मतलब, और उस समय 3 माइक में मैं किशोरदा सेंटर में, इस तरफ आशा जी, 3 लोग एक साथ गा रहे। फिल्म इंडस्ट्री में गायक के तौर पर अभिजीत की एंट्री हो चुकी थी, लेकिन इससे कुछ फायदा होता हुआ उन्हें नजर नहीं आया, सिवाय इसके कि जिस एक मौके का वो सालों से इंतजार कर रहे थे वो उन्हें मिल चुका था। अपने आइडियल से मिलने का ही नहीं, उनके साथ उन्हें गाना गाने का मौका मिल चुका था, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई और गाने को तवज्जो नहीं दी गई। इसके 6 साल बाद तक अभिजीत को गाने का एक भी मौका नहीं मिला। काम का इंतजार एक बार फिर खत्म हुआ, अभिजीत पर किस्मत एक बार फिर मेहरबान हुई। फिल्म आनंद और आनंद के 6 साल बाद 1991 में अभिजीत को फिल्म बागी में गाने का मौका मिला। उन्होंने इस फिल्म में 3 गाने गाए और यहीं से शुरू हुआ कामयाबी का सफर। गॉडफादर में जब भी नाम आता है मेरे,
तो मैं आरडी बर्मन आनंद मिलिंद एक साथ बोलता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि आरडी बर्मन और आनंद मिलिंद, आरडी बर्मन आनंद मिलिंद मैं एक साथ बोलता हूँ, क्योंकि आरडी बर्मन ने मुझे ब्रेक दिया और उसके बाद मैं पूरा मिट गया, नामो निशान नहीं था। लेकिन उस शख्स को जिंदा करके फिर से, कितना बड़ा रिस्क था कि एक फ्लॉप को आपने फिर से, आपने खुद रिस्क लिया अपने करियर का, एक म्यूजिक डायरेक्टर, नया म्यूजिक डायरेक्टर जिसको भी करियर बनाना था, उसके 2-3 सुपरहिट गाने पिक्चर आई, लेकिन उसके बाद भी उसने मुझे ब्रेक दिया, तो कौन करता है, कोई नहीं करता। तो इसलिए आनंद मिलिंद ने जो मुझे ब्रेक दिया बागी में, बस वो जो 91 में जो बागी रिलीज हुई, बागी आई, तीनों गाने मैंने सलमान खान के गाए, वो उसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री। उसके बाद धड़ल्ले से एक के बाद एक गाने आने लगे। अब धीरे धीरे हर फिल्म में अभिजीत की मदहोश कर देने वाली आवाज सुनाई देने लगी। उनके आवाज की कशिश ने संगीत प्रेमियों को अपना दीवाना बना दिया। उस दौर के कई हिट फिल्मों में अभिजीत ने गाने गाए, दिल है कि मानता नहीं, खिलाड़ी, शोला और शबनम, डर, ये दिल लगी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसी कई फिल्मों में उन्होंने गाने गाए। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। अक्षय कुमार, सलमान खान, अनिल कपूर, सनी देओल की आवाज बन गए। इस रूप का, इस रंग का। फिल्मी गानों में कामयाबी मिली तो अभिजीत ने एल्बम निकालने का भी फैसला किया। उनके कई एल्बम्स ने संगीत प्रेमियों को अपना दीवाना बना दिया। तेरे बिना मैं दीवाना हूँ, वो लम्हे समेत कई एल्बम्स में अभिजीत ने अपनी रुमानी आवाज से सुनने वालों को मदहोश कर दिया। दिल आ गया, तीर नजर से घायल हुआ, मिलते ही उन पे दिल आ गया। लेकिन जिस कामयाबी का इंतजार अभिजीत को था, वो कामयाबी उनके लिए शाहरुख खान लेकर आए। अभिजीत रोमांस के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान की आवाज बन गए। इस कामयाबी की शुरुआत 1994 में आई अंजाम दुल्हनिया ले जाएंगे हूँ, या बादशाह, या फिर यस बॉस। अभिजीत का जादू हर फिल्म, उनके हर गाए गाने में कायम रहा। यस बॉस के इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। पर्दे पर शाहरुख और पर्दे के पीछे अभिजीत, हिट गानों की कामयाबी का एक सिलसिला सालों तक चला। अभिजीत की आवाज पाकर शाहरुख पर्दे पर रोमांस की इबारत लिखते चले गए। लेकिन एक वक्त वो भी आया जब अभिजीत ने किसी वजह से शाहरुख खान के लिए गाना गाना बंद कर दिया। 2009 में आई बिल्लू के बाद अभिजीत ने शाहरुख के लिए कभी गाना नहीं गाया। शाहरुख के साथ और मेरा जो कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, चाहे वो गाना हिट हुए हो या उसके बाद ड्यू क्रेडिट्स नहीं मिला हो, या कहीं पे सेल्फिशनेस की वजह से मन मुटाव हुआ हो, ये सब इतना लोगों के सामने ओपन हो चुका है कि मैं कुछ छुपा भी नहीं सकता और कुछ बोल भी नहीं सकता। इट सो पॉपुलर कि मैंने अपना एक तरफ, अभी रिसेंटली एक सिंगर जो आज सारे गाने वही गा रहे हैं, वो एक हाथ जोड़ते हैं एक स्टार को, मेरा गाना रख दीजिए, मेरा गाना रख दीजिए, और एक तरफ मैं हूँ, मैं एक सुपरस्टार को बोलता हूँ कि मैं तेरे लिए कभी गाऊंगा ही नहीं। तो बस ये फर्क है कि मैंने आज से 3 साल पहले सुपरस्टार को बोल दिया मैं तुम्हारे लिए नहीं गाऊंगा। तो आप सोच लीजिए कि मेरा एक स्वाभिमान है, एक आत्मसम्मान है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक मेरे कड़े मेहनत और कड़े कला की पूजा मैं करता हूँ। आई विल नेवर लेट एनीबडी टेक मी फॉर ग्रांटेड। जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी। ऐसा लगता है अभिजीत और विवादों का चूली दामन का साथ है। हाल ही में अभिजीत अपने विवादित बयानों की वजह से फिर सुर्खियों में आए। सलमान खान के हिट एंड रन मामले में दिया गया बयान हो, या फिर पाकिस्तानी सिंगर्स पर अभद्र व्यंग कसने का वाक्या हो, अभिजीत ने विवादों को खुद ही न्योता दिया। जो लोग स्ट्रेट बात करते हैं, उनकी बातों का कोई डायरेक्ट अर्थ लेता ही नहीं है।
उनकी बातों को 100 तरह से लिया जाता है। उसके लिए हर एक की बात को 100 तरह से नहीं लिया जाएगा, 100 माने नहीं निकलेंगे, उसके लिए अभिजीत बनना पड़ता है। मैं अगर किसी को बोलूं आई लव यू, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकती है, लेकिन उसको भी आप कॉन्ट्रोवर्शियल बनाएंगे तो वो मेरे साथ ही होगा। सो मैं कभी किसी कॉन्ट्रोवर्सी या किसी की गालियों की परवाह नहीं करता। विवादों के परे अभिजीत के सिंगिंग करियर की बात करें तो उनकी कामयाबी के गवाह हैं ये अवार्ड्स, जो अभिजीत के पूरे घर की शान बढ़ाते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर अभिजीत ने गाना गाना बेशक कम कर दिया हो, लेकिन उनकी रूमानी आवाज जब भी सुनाई देती है सुनने वालों को मदहोश कर जाती है। अभिजीत की गायकी का वो सिलसिला आज भी जारी है। इतना सा